हाय एवरीवन, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं जिसन आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी उस टॉपिक का टाइटल है एडवोकेसी जर्नलिज्म। तो एडवोकेसी जर्नलिज्म क्या होता है, ये वर्ड को सबसे पहले समझते हैं, ये वर्ड ही एडवोकेट से बना है, यानी किसी चीज़ की वकालती करना, किसी चीज़ की वकालत करना, किसी चीज़ पे अपना पक्ष रखना बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही कह सकते हैं बहुत बायस्ड होकर अपनी चीज़ों को रखना। तो एडवोकेसी जर्नलिज्म का पहला प्रोपागैंड कह सकते हैं कि पहला एजेंडा यही है कि कोई सोशल कॉज के लिए वो अपनी बात को रखते हैं, जिसमें बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था एंटी करप्शन मूवमेंट पर, उन्होंने अब कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल्स ने उस वक्त बहुत सपोर्ट किया था, उस पूरे मूवमेंट को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया था, तो वो एक एडवोकेसी जर्नलिज्म का पार्ट है। निर्भया केस जब हुआ था तो वो जो आउटरेज था लोगों के अंदर, वो मीडिया ने उस आउटरेज को अपना स्ट्रेंथ बनाया और कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए उन्होंने उस वक्त भी एक कह सकते हैं एडवोकेसी जर्नलिज्म का हिस्सा है। तो एडवोकेसी जर्नलिज्म कहीं ना कहीं किसी एक ऐसा जर्नलिज्म होता है जहाँ पर कोई मीडिया किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अपनी पक्ष अपने पक, अपना पक्ष रखता है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, उसको हम एडवोकेसी जर्नलिज्म कहेंगे। जर्नलिज्म ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत चीज़ें जाना है, जैसे कि टीवी जर्नलिज्म है, रेडियो जर्नलिज्म है, प्रिंट जर्नलिज्म है, उसके अलावा वेब जर्नलिज्म है, फोटो जर्नलिज्म है, एम्बेड जर्नलिज्म है। मैं और भी जर्नलिज्म के बारे में बात करूंगी, बट ये एडवोकेसी जर्नलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नलिज्म कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जब हमें पता है कि मीडिया को अपना पक्ष नहीं रखना है किसी मुद्दे पर, बट एडवोकेसी जर्नलिज्म एक ऐसा जर्नलिज्म है जहाँ मीडिया अपना पक्ष को रखती है और अपने पॉइंट और कहीं ना कहीं लोगों का एक सोशल मूवमेंट भी वहाँ पर क्रिएट कराती है, तो उसको हम एडवोकेसी जर्नलिज्म कहते हैं।